मामा के यहाँ, तो उसकी शादी कर रहे हैं, तो कपड़े रख लेते हैं, हमारे पास टाइम है। तो ये है हमारी, अब हम यहाँ से जाएंगे ई रिक्शा में। अभी हम आ चुके हैं अपने मामा के घर। तो ये है मेरे मामा का घर। तो आज मामा के यहाँ, तो उसकी शादी कर रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कपड़े रख लेते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है, कहीं भी मेकअप का सामान है हम लोगों का। मुझे घर यहाँ पे खास कपड़े मिला लिए हैं और दिखाऊंगी आप लोगों को वहाँ, यहाँ से अगर आप लोग घर पर दिखाएंगे तो वहाँ पर क्या देखोगे आप लोग। तो हो गया इसका, सुनो अभी एक बैग हम लोग के लिए है, इसमें वो डालना है प्रिंटिंग मशीन। सैंडल सैंडल ब्लैक वाले ऊपर से निकालने पड़ेंगे ना, कपड़े निकाल के लाओ मेरे। देखा कमाल, इन्हें भी डाल दिया। फ्रीज नहीं बनाएंगे, सूट बना के ऐसे ही रख दूंगी। आप लोगों को दिखाती हूँ मामा के घर कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आज बहुत इंजॉय करने वाले हैं लोग। तो आज खाने के लिए बच्चे पाँच रुपये रखे। तो हमारी पैकिंग मोस्टली हो चुकी है, मंदिर को ताने मोबाइल है यार। और अभी हम लोग खुद रेडी हो जाए, पैकिंग आधी अपनी हो गई है, अब रेडी हो जाए, इसके बाद आप लोगों को मिल जाए थोड़ी देर में। तो तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और इन्जॉय करते रहिए। तो मैं मामा के घर जाने के लिए रेडी हूँ, ये है मेरा लुक। जल्दी क्रॉस करो, अभी यहाँ से हमें और बस चेंज करनी पड़ेगी। तो चलिए ये है हमारी पहली बस। मौसम कितना अच्छा हो रहा है, अभी धूप थी, बहुत गर्मी थी, अभी अभी मौसम में देखिए। तो ये है हमारी, बहुत भीड़ है, तो आगे पीछे बैठे हुए हैं यहाँ पे लोग। मौसम बहुत अब हम यहाँ से जाएंगे ई रिक्शा में। तुम्हें दाई कहाँ जाएगा, माऊ तुम्हें माऊ जाएगा। ओ ई रिक्शा से हम लोग जा रहे हैं मामा के घर, देखो आगे चढ़ाई बहुत है, इसलिए हम लोग उतर गए हैं। ये ई रिक्शा जा रहा है हमारा।
अच्छा लग रहा है। मामा का घर आ गया। मोबाइल रपक के चला गया। मामा का गांव ये थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है। अभी हम आ चुके हैं अपने मामा के घर। तो ये है मेरे मामा का घर। बाहर तो दिखाई, बाहर से अभी दिखाऊंगी। बाहर जाके मुझे भूल गया था यहाँ पे मंडप है शादी का। घर से नजारा कराती हूँ गाँव का। देख बिल्लू के बच्चा। मम्मी अंदर दीदी। तो यहाँ पे सारी मौसी और मम्मी बैठ के बातें कर रही हैं। ये हमारी सिस्टर है, ये भी हमारी सिस्टर है, ये हमारी ननद है। गाइस हम लोगों ने स्टैंड मेहंदी लगाई है। हम लोगों के पास टाइम नहीं था लगाने का मेहंदी, तो फिर अभी हम लोगों ने ये स्टैंड में भी मंगवाई थी और उसे लगा ली है। तो इसका कलर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ऐसा है इसका कलर, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस ये मेरे मामा के घर की पेंटिंग देखिए। यहाँ पे बाबा साहब बने हुए हैं, यहाँ पे दाई खड़ी हुई है, यहाँ पे देखिए लड़का और लड़की का नाम लिखा हुआ है। ये यहाँ तक है मेरे मामा का घर, जहाँ शुभ विवाह लिखा हुआ है। तो पेंटिंग कैसे लगी आप लोग रेट कर देना, कमेंट में बता देना कैसे लगी पेंटिंग। पेंटर का नाम भी देखो, किसी को बुलाना हो तो बुला सकता है। अरुण आर्ट बंसरी।